ये जो है ना यहाँ पे एक पाया सुरंग, खुफिया सुरंग यहाँ पे देखिए, ये पूरा ऊपर साइड में चढ़ने के लिए है, ये किला का सबसे ऊपर साइड में चढ़ने के लिए ऐसे सीढ़ी था, ऐसे से चढ़ने के लिए ऐसे सिर्फ यही एक रास्ता है ऊपर साइड में चढ़ने के लिए। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों यार आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग आए हैं शाहपुर किला के पास। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पलामू में बहुत मोस्ट फेमस जगह है ये शाहपुर किला। नंबर वन पे आता है पलामू किला और सेकेंड पे आता है शाहपुर किला। अरे शाहपुर किला के बारे में उतना बहुत कोई नहीं जानता है, बट उतना मतलब ऐसे मतलब है नहीं कि मतलब जानता ही नहीं है, जानता है बहुत बट बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं शाहपुर किला के अंदर साइड का कुछ यार पूरा भव्य नज़ारा, जो कि पूर्ण रूप से पूरा एकदम डैमेज हो गया है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको दिखाते हैं अभी चलकर। और इसके अंदर साइड में जाने का रास्ता है कि नहीं है अभी देखते हैं, अभी तो जस्ट अभी किए हैं हम लोग यार आते, और अभी आपको दिखाते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चलते हैं। अभी ये है कुछ बाहर साइड का सीन, आप देख सकते हैं कितना भव्य है और कितना डरावना दिख रहा है। और आपके समय में यार यहाँ पर डर भी लगता है, मतलब बोल रहे थे लड़के लोग अभी मिले थे यार, रात के समय में भी कोई नहीं आता है। फिर अभी यहाँ पे देखिए बहुत ही इसका कुछ रहस्य है शाहपुर किले के, तो उतना हम नहीं जानते हैं, जो मतलब विकिपीडिया में दिया सिर्फ उसी को हम जानते हैं और वो बताएंगे आपको। अंदर साइड में चलकर आप बाहर करके देख सकते हैं, देखिए वहाँ पर देखिए कितना भयानक है सबसे ऊपर और वहाँ पर देखिए सब यार मतलब पूरा भयानक है। चलिए अभी अंदर साइड में चलेंगे और चलते हैं इसके अंदर साइड में। यहाँ पर देखिए एंट्री मतलब ये प्रिंट है ना, ये है मेन गेट एंट्री का, आप कहीं से भी एंटर कर सकते हैं तीनों गेट से, ऐसा कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये हम लोग हैं मिडिल गेट से एंट्री किए हैं और यहाँ पे देखिए हिलते ही यार कितना ध्यान है। और इसका देख रहे हैं दीवार देखिए यार, हाँ देखिए 25 इंच का दीवार है और फिलहाल में तो इससे मतलब टूट फट गया, तो इसको बाद में रिपेयर किया गया है। और वहाँ पर देखिए पहल के ज़माने में यार कितना मतलब ये भी दिख रहा है, देखिए कैसे पूरा दीवार है और डिज़ाइन वगैरह देखिए, इधर आइए इधर यहाँ पे देखिए। इसके बारे में हमारे इतना मतलब हमें किला देखने में बहुत हम एक साथ उठ जाते हैं, बहुत अच्छा हमको लगता है। ये पहले के ज़माने के देखने के पहले ज़माने में रह जाओ ऐसे ऐसे महल में रहा करते, अब तो कहाँ 10 इंच का दीवार जोड़ा था उसी में आदमी खुश, देखिए कितना है, देखने पर कैसे। और यहाँ पे ना इतना कचरा वगैरह है यहाँ पे शाहपुर किले में, ये क्या है बोले पूरा हर एक जगह आपको मिलेगा सिर्फ कचरा ही कचरा। देखिए यहाँ पे ये 3 मंजिला था और उसके उधर साइड में भी है, बट इधर से रास्ता नहीं है जाने के लिए, दिखाएंगे आपको यहाँ पे इसके अंदर साइड में देख रहे हैं। ये जो किला है ये किला था 3 मंजिला, देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे ये भी टूट गया है और एक वहाँ पे वहाँ टूट गया है और सबसे 1 2 3 यहाँ पे देखिए सब टूट फाट गया इधर देखिए। ये अलमारी देखे ना कितना सारा अलमारी है रखने के लिए, यहाँ पे देखिए ये मालूम है कोई चीज़ क्या है, हम आपको बताते हैं। ये ऐसा चीज़ है कि पहले के ज़माने में क्या होता था ना कि एक टेलीस्कोप दूरबीन होता था, और ये अब के मतलब अभी तो ऐसे दूरबीन सिंपल आता है ऐसे देखने के लिए, बट वैसा कुछ नहीं था पहले ना, ऐसे बैंड करके था दूरबीन ऐसे। और ये इसीलिए बनाया गया है कि जब यहाँ पे राजाओं लोग रहते थे तो अपने दुश्मन को देखने के लिए यहाँ पे ऐसे बैंड करके बैंड वाला टेलीस्कोप लगाते और देखते थे कि आ रहे हैं कि नहीं, दुश्मन के मतलब दुश्मन को पता लगाने के लिए टेलीस्कोप से देखते थे। और यहाँ पे भी देखिए हर एक साइड में आपको बहुत जगह ये है देखने के लिए, आपको मिलेगा देखते थे यहीं से। और देखिए सबसे ऊपर टॉप साइड में देखिए डिजाइनिंग देखिए इतना पुराना हो गया है यार कि मतलब क्या हो गया। यहाँ पे देखिए ये पूरा यहाँ से दरार खुल गया है, देखिए सबसे ऊपर साइड में अब कब गिर जाएगा ये, अब कब नहीं किसी को नहीं मालूम। और यही शाहपुर किला पूरा भयानक वाला दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए कितना सारा कचरा फैला है, यहाँ पे देखिए यही है रूम। और ये देखिए ये कल हम इसके नेट में इसके बारे में सर्च कर रहे थे, बट पता चला ये जो है ना यहाँ पे एक पाया सुरंग, खुफिया सुरंग
राजाओं ने बनाया था। और आपको जानकारी के लिए बता दें, ये जो सुरंग था ना, यकीन कीजिए ये सुरंग यार डायरेक्ट जुड़ता था अंदर अंदर साइड से डायरेक्ट पलामू किला का, पलामू किला को डायरेक्ट जाकर मिलाता था, अंडरग्राउंड है। सोचिए यार कितना भयानक होगा। बट अभी क्या हो गया कि अभी बंद हो गया है, पता नहीं किस रीजन से बंद हुआ है, हमें नहीं मालूम है, मालूम होता तो हम बता दिए। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस जो शाहपुर किला है, शाहपुर किला को बनवाया था राजा मेदिनी राय ने, और इस शहर का भी नाम है मेदिनी नगर, और वही बनवाए थे। आपको दिखाते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ ये है सीढ़ी चढ़ने के लिए, यहाँ पे देखिए ये पूरा ऊपर साइड में चढ़ने के लिए है, ये किला का सबसे ऊपर साइड में चढ़ने के लिए ऐसे सीढ़ी था, ऐसे से चढ़ने के लिए ऐसे सिर्फ यही एक रास्ता है ऊपर साइड में चढ़ने के लिए। और देखिए यहाँ पे है, जब आप उनको दिखाते ना यहाँ पे देखिए, यहाँ भी इससे में से था दूरबीन से देखने के लिए, दूरबीन से देख के राजाओं ने अपने दुश्मनों को पता लगा सकते थे कि मतलब आ रहे हैं हमारे किला के पास या नहीं। उस समय तो जानते थे यार सिर्फ युद्ध हुआ करता था, सिर्फ युद्ध मार धार वाला एक्शन वाला। मेरा ये आपको दिखाता ऊपर साइड में देखिए, अभी कहा है ना कि सीढ़ी देखिए टूटा हुआ है, आपको दिख रहा है ना ऐसे ऐसे, देखिए सब सबसे ऊपर साइड तक गया था, बट यार जितना भी ना तीनों सीढ़ी टूट गया, सिर्फ ये नीचे वाला बचा, और ये भी बचा बहुत, ये भी खत्म हो जाता। अभी हम लोग आए सबसे एक तल्ला पर, एक तल्ला पर आए हम लोग, और ये तो यार फिलहाल में जोड़ा गया है, और इसके उस साइड में रोड है, यहाँ पे देखिए भयानक है यार, कितना पूरा डरावना है। इसका दीवार देखना है, बताया आपको यार 25 इंच का दीवार है देखिए, और ऐसे है ना कि यहाँ से ऐसे चढ़े और फिर एक ऐसे थाली का मतलब टूट गया है, आपको इसलिए ऐसे ऐसे करके वहाँ से सीढ़ी था, फिर वहाँ से निकला था वो जो देखा है ना दरवाज़ा, वहाँ से फिर ऐसे ऐसे फिर यहाँ से अंदर साइड में जाते हैं यहाँ से, और फिर वैसे करके फिर वहाँ से चढ़ते ऐसे करके था, यहाँ से देखते। देखिए डिजाइनिंग कितना भयानक है। चलिए अभी उधर साइड में चल कर आपको दिखाते हैं, खाली हम आपको दिखाने के लिए, देखिए वहाँ से ऐसे ऐसे करके आते हैं, हालांकि सभी लोग ऐसे ही आते हैं इधर, जिसको भी देखना रहता है ना ऐसे ऐसे साइड से आते हैं, क्योंकि ये तो पूरा ऑलरेडी टूटा हुआ है, इसलिए इधर से कोई नहीं आता है और ना आने का रास्ता है, ऐसे ऐसे साइड से आप आ सकते हैं अगर अगर इधर आपको आना है तो। और यहाँ पे देखिए ये सभी टूट गया है यार, मतलब जब रहता है ना, मतलब ये रहता है यहाँ पे तो दिखने में यार ऊपर से काफ़ी अच्छा लगता है, बट है नहीं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और ये किला है, और आप समझ सकते हैं ये किला बना था यार 1770 ईस्वी में, अभी कितना साल हो गया आप समझिए, 30 साल उधर 200 साल इधर, मतलब 230 साल इधर हो गया और 24 साल इधर, मतलब 54 साल, 254 साल इस किला, समझ लीजिए कितना अभी है। तो अभी वहाँ से चल के आपको दिखाते हैं, ये कुछ खास वैसा नहीं है, और यहाँ पे देखिए आपको दिखाते हैं, देखिए ऊपर साइड में ऐसे भी रास्ता था जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे, यहाँ पे देखिए कैसे जुड़ा हुआ था पहले के ज़माना में, हर एक जगह अलमारी वगैरह है सर, यहाँ पे देखिए खिड़की है यार, कितना भयानक है, हवा अच्छा रहा है यहाँ फिर से यहाँ पे लगाने से, यहाँ पे देखिए ऊपर साइड में, और सबसे यहाँ पे ना इधर साइड में आगे आपको दिखाते देखिए कैसे, यहाँ भी सीढ़ी था बट अभी है नहीं, सब कुछ फट गया है, और ऊपर साइड में कोई अभी चढ़ता भी नहीं, ऊपर सीढ़ी है बट यहाँ तक जाने के कोई रास्ता नहीं है, इसलिए कोई नहीं जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना सबसे टॉप फ्लोर पर, इस साइड से मतलब जो किला है, किला के सबसे लेफ्ट साइड में ये पड़ता है, तो ये किला के सबसे लेफ्ट साइड में ऊपर साइड में चढ़ने के लिए यहाँ पे देखिए एक रास्ता है, वहाँ पे तो वो जो मिडिल पॉइंट से था मेन गेट से, और एक सीढ़ी जो दिखाते हैं आपको पहले, तो वो था सबसे उधर साइड से जाने के लिए, बट यहाँ पे एक है ना ये सबसे ऊपर साइड में जाता है, जो कि अभी पूर्ण रूप से टूट फट गया है, एक भी सीढ़ी नहीं है यहाँ पे, कुछ ऊपर साइड में बचा हुआ है बट वहीं जाने के लिए रास्ता नहीं है, वहाँ ऊपर साइड में तो सीढ़ी है बट ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे, आइए ये देखिए यही है, यहीं से अंदर साइड में है और आपको दिखाते हैं, देखिए यार यही है कुछ, इसी यहीं से इंटर किया जाता है, देखिए कितना सब टूट फट गया है,
अब देखिए कितना लेयर प्लास्टर किया गया था। यहाँ पे देखिए ये जोड़ा हुआ था और उसके ऊपर से एक लेप है और इसके ऊपर से ओरिजिनल वाला लेप है। देखिए डिजाइनिंग देखिए यार कितना हेवी वाला है। बहुत गर्मी लग रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं टी शर्ट वगैरह सब भींग गया है सिर्फ गर्म से, और यहाँ पे बारिश भी नहीं हो रहा है। बस देखिए कुछ इस प्रकार का है अंदर साइड में। इधर आइए, इधर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए सब पूरा अड्डा बना रखा है इस किले को, चूंकि यहाँ पे है ना मतलब डाल्टनगंज से ये 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर ही है, और डाल्टन रेलवे स्टेशन से 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर है, और पलामू मुख्यालय से आपको दक्षिण साइड में ये स्थित है जो कि कोयल नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे आप आसानी से आ सकते हैं ऑटो वगैरह से। यहाँ पे देखिए देखिए यार कितना भयानक है, यहाँ पे काफी अंधेरा है। और ये देखिए इसी के बारे में हम बताए थे आपको टेलीस्कोप से देखने के लिए सब भी। यहाँ पे देखिए दुश्मन को इससे पता लगाते थे कि दुश्मन आ रहे हैं ना, हर एक डायरेक्शन में था, चारों डायरेक्शन में ऐसे ऐसे आपको मिलेगा। देखिए ऊपर साइड में कैसे, देखिए ऊपर साइड में यहाँ से देखिए हम बोले थे आपको कि सीढ़ी है, बट वहाँ पे देखिए देख रहे हैं ना सीढ़ी है बट वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है। देखिए ये किला यार कितना भयानक है। तो चलिए अभी बाहर साइड में चलते हैं आपको हर एक। तो दोस्तों यही है शाहपुर किला का कुछ बाहर साइड का सीन, आप देख सकते हैं यार कितना मतलब डरावना, दूर से ही यार डरावना दिखता है, और पूरा पूर्ण तरीका से यहाँ पे अभी विनाश हो चुका है इस किले को। और अभी देख लिए हर एक डायरेक्शन से ना हर एक जगह यार टूटा फूटा है, और कहीं जगह दरार है, कब गिर जाएगा किसी को नहीं मालूम है। इसलिए बहुत यहाँ पे जब भी आप आए यहाँ पे अलर्ट रहे, कब क्या हो सकता है किसी को नहीं मालूम। और सबसे अच्छा हमको ये लगा कि यार एक जो सुरंग था ना उसको यार बंद करवा दिया, अभी चालू रहता तो यार समझिए कि कितना भयानक था। वो पहले ज़माना के राजाओं के बात यार मत कीजिए, पूरा हेवी आइडिया उन लोग के दिमाग में आता था दुश्मनों से फाइट करने के लिए। कुछ यही है शाहपुर किला का नज़ारा, आप देख लीजिए, देख लीजिए कैसा है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।